जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 को नांदेड़ में सभा। रामनवमी पर ज्यादा सतर्कता बरते कोर्ट। कमलनाथ के बंगले में उनके निजी सहायक से पूछताछ। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 को नांदेड़ में सभा। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी के प्रचारार्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार 20 अप्रैल को नांदेड़ में सभा होगी। शहर के असर्जन परिसर के मामा चौक इलाके में स्थित मैदान पर दोपहर 12 बजे सभा का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2019 के चुनाव में इसी मैदान पर प्रधानमंत्री मोदी की सभा का आयोजन किया गया था। लोकसभा चुनाव के लिए नांदेड़ संसदीय सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। 11 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नयागांव तहसील नरसी में सभा हो चुकी है। नांदेड़ के साथ पड़ोसी पर भणी संसदीय सीट के लिए एक ही दिन प्रधानमंत्री मोदी की सभा होगी। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। रामनवमी पर ज्यादा सतर्कता बरते कोर्ट। मुंबई उच्च न्यायालय ने पुलिस से सोमवार को कहा कि रामनवमी पर निकाली जाने वाली शोभा यात्राओं के दौरान खासकर मुंबई के संवेदनशील इलाकों में कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ को जनवरी में मीरा रोड में कुछ विधायकों द्वारा दिए गए कथित नफरत भरे भाषणों की जांच करने और यह निर्धारित करने का निर्देश दिया कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। पीठ ने भाजपा विधायक नितेश राणे, गीता जैन और तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। इन याचिकाओं में दावा किया गया कि ये भाषण सांप्रदायिक हिंसा के बाद दिए गए थे। इनमें विधायकों के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज कराने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय किसी भी रैली को आयोजित होने से नहीं रोक सकता, लेकिन पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे कि कानून व्यवस्था की कोई समस्या पैदा ना हो। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील करीम पठान ने उच्च न्यायालय से कहा कि रामनवमी पर कुछ शोभा यात्राएं जानबूझकर अल्पसंख्यक क्षेत्रों में से और मस्जिदों के बाहर से निकाली जाती हैं। इसके बाद पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश सराफ से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई अप्रिय घटना ना हो, सुनिश्चित करें कि मार्ग बदले जाए। अंततः अगर कानून व्यवस्था की कोई समस्या होती है तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और पुलिस को भी इनका सामना करना पड़ेगा। पीठ ने कहा, हम किसी भी सार्वजनिक रैली को नहीं रोक सकते, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपके अधिकारी कोई उल्लंघन होने पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे। सराफ ने पीठ को आश्वासन दिया कि पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरतेगी। रामनवमी 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। पीठ ने कहा कि वह इस मामले में आगे की सुनवाई 23 अप्रैल को करेंगे। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। कमलनाथ के बंगले में उनके निजी सहायक से पूछताछ। मध्य प्रदेश पुलिस ने सोमवार को कहा कि उसने भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार विवेक बंटी साहू की शिकायत पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के छिंदवाड़ा स्थित बंगले में उनके एक सहयोगी से पूछताछ की है। कोतवाली थाने के निरीक्षक उमेश गुलहारी ने बताया कि साहू ने शिकायत की है कि कमलनाथ के सहयोगी आर के मिगलानी ने उनका एक आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित किया था। गुलहारी ने कहा, हमने पूछताछ की कि जांच जारी है। साहू की शिकायत को पूरी तरह से झूठ बताते हुए मिगलानी ने कहा, मुझसे पुलिस ने पूछताछ नहीं की, मुझे नोटिस दिया गया कि मैं चुनाव के बाद इसका जवाब दूंगा। इस घटना के बाद कमलनाथ और उनके बेटे तथा सांसद नकुल नाथ अपना दौरा रद्द कर आवास पर वापस आ गए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।